एक व्यक्ति एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर रात तक घर वापस लौटता। सुनसान जगह इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वे मैनेजर के घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नज़र मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई और चोरों को पूरा भरोसा हो गया कि घर में सब सो चुके हैं, तो वे दीवार कूद कर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीज खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे थक हार कर वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर उस घर के पास छुप कर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नज़र फिर उस पर ही गड़ गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकाल कर उसमें से कुछ डालने लगा। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार कूद कर आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान से उन चीज़ों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थी, लेकिन उस दिन भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीज़ों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे सातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। अब चोरों में चोरी करने से ज़्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वे सभी मैनेजर से मिलने उसके घर पहुंचे। मैनेजर का उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीज़ नहीं ढूंढ पाए। हम सब ये जानने को बेचैन हैं कि आप वहाँ चीज़ें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती ही नहीं। अरे भाई, मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है, आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकाल कर पेड़ में डालते हैं, आप वहाँ कुछ ना कुछ तो छुपाते हैं, चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है। इसके लिए रोज किसी न किसी से चिकचिक होती है, कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवारजन झेलते थे। कुछ देर रुक कर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनाया तो सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूंगा, कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं आऊंगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक कर वहाँ डाल देता हूँ। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूँ, तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ले लेता हूँ, लेकिन फिर जब शाम को घर लौटता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आ गया। चोरी करने में तो वो सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें मिल चुकी थी। दोस्तों, आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर ले आते हैं, इस तरह वे घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते हैं, साथ ही अपने तनाव से परिजनों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है? क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन नहीं बनती जा रही? तनाव को एकदम से तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिजनों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमा पल बिताए जा सकते हैं। इसलिए जब भी घर आएं तो तनाव को बाहर ही छोड़कर आएं। धन्यवाद।